हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड माय वेट लॉस जर्नी ब्लॉग। और ये वीडियो है 8 तारीख का, 8 जनवरी का, और मेरी वेट लॉस जर्नी का 6th डे है। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ साग की रेसिपी शेयर की थी और सूप की भी प्रिपरेशन करके रख ली थी। रात को मैंने साग रोटी ही खाया था और हस्बैंड के टिफिन में सुबह दोबारा से छौंका लगा के ये साग रख दिया था। साथ में रखे थे फ्रूट्स, इसमें था गुआवा और पपाया, तो और मंचिंग लिए रखी थी थोड़ी सी नमकीन और जो पीनट होती है ना रोस्टेड वाली मार्केट की थी, तो वो रख दी हैं। इस तरह से कुछ आइटम रख देते हैं ना, टिफिन थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो साथ में रख दिए हैं पराठे। जब घर में साग बनता है ना तो सबसे ज़्यादा हस्बैंड ही खाते हैं, तो टिफ़िन में भी रख देती हूँ। तो बस उनका टिफ़िन हो गया था पैक। उसके बाद मैंने ये शावर ले लिया था और आ गई थी अपना वेट चेक करने के लिए। हालांकि अभी वेट चेक करने का दिन नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स जब हम डाइट कर रहे होते हैं ना या कुछ हम काम कर रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो देखिए, आज का मेरा वेट है पूरा 69.8। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जब पार्टी की थी ना, पूरा 70.9 आ गया था, 71 के करीब हो गया था। लेकिन देखिए, 5-6 दिन ही हुए हैं आज और इतना वेट मैंने मेंटेन कर लिया है। तो अपने लिए भी मैंने फ्रूट्स खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। दादी का विंटर ब्रेक चल रहा है और मान्या के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो वो टिफिन नहीं लेकर जाती है। बस अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे लंच में। और जो प्रिपरेशन करके रखी थी रात को, सब्जियाँ सारी उबाल के रख दी थी, उसको ब्लेंडर से पीस लिया था। बस अब लंच में यही सूप मैं बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर ले लिया है थोड़ा सा घी और बटर। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बस इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पे जो पीसा हुआ, पीसी हुई सब्जियाँ हैं और छनी हुई सब्जियाँ हैं उनका सूप, और बस इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और जब डाइट में मैं सूप लेती हूँ तो इसके अंदर कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप चाहते हैं सूप को थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन डाइट के लिए कॉर्नफ्लावर अच्छा नहीं होता, ये तो सभी को पता है। बस इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है नमक और काली मिर्च। अभी सूप बनाती हूँ ना, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि सबको भी दे सकूँ, और अगर मेरा एक दो दिन का काम चल सकता है इस सूप से तो वो मैं चला लेती हूँ। तो बस इसको छोड़ दिया था सिम आँच करके गाढ़ा होने के लिए। और देखिए, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है अभी। हालांकि ये अभी भी पतला लग रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, और यहाँ पर बच्चों ने गाजर घिस दी थी तो थोड़ा सा हलवा भी बना लिया था। रात को ही मैंने थोड़ी सी, मतलब ये गाजर है मतलब कसा के रख ली थी, और खोआ ऐड नहीं किया था, सिर्फ इसमें दूध डाला था, और अब इसको भी पका लिया है। और ये है मेरी आज की लंच की थाली। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि डाइट करना एक सजा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप सब चीज़ें खाते रहेंगे और पोर्शन साइज़ अपना कम रखेंगे, अपनी थाली में उतना ही लेंगे जितना आपके लिए एनफ हो, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं खाएंगे, तो आप भी बहुत आसानी से डाइट कर सकते हैं सब चीज़ें खाते हुए। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और आज मुझे जाना है एक पार्टी में, आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और पिछले 15 दिनों से लगातार 3-4 पार्टियाँ अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना वेट मेंटेन कर रखा है, सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि मैं डाइट वाला फूड खाती हूँ और बहुत ज़्यादा थाली में नहीं भर भर के नहीं खाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आप भी आसानी से अपनी डाइट मेंटेन रख सकते हैं और अपना वेट भी। फ्रेंड्स, जब से मैंने अपने वेट लॉस जर्नी के व्लॉग आपके साथ शेयर करना शुरू किया है तो सारे DIY वाले वीडियो मैं बिल्कुल शेयर करना भूल ही गई हूँ, क्योंकि जो भी वेट लॉस जर्नी के व्लॉग हैं उसमें पूरे दिन का शूट करना पड़ता है, और ये DIY बन रहा है एक स्पेशल पर्सन के लिए। तो मान्या और मैं मिलकर यहाँ पर बना रहे थे एक गिफ्ट बॉक्स, आगे वीडियो में देखिएगा किसके लिए बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8 जनवरी और अभी मैं पूरे 2 घंटे लगा के शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि कुछ खास रीज़न था और मैं कुछ लेके आई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ वेलवेट का सूट, बहुत ही प्यारा सा है और थोड़ा सा ही ब्राउन सा कलर है, तो बहुत अच्छे से पैक करके दिया था भैया ने, और मैंने इसको खोल के देखा, इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है। और मैं ये लेकर आई हूँ अपनी बहूरानी के लिए, जिसका आज है बर्थडे, तो बस अब वहीं जाने की तैयारी है। करीब 7 बज गए हैं, उसके बर्थडे पार्टी में हमें जाना है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब लेडीज़ किसी शॉप पर मतलब कुछ खरीदने जाएं। गई थी मैं अपनी बहूरानी के लिए सूट खरीदने के लिए, यहाँ पर आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, तो ये हमारी बर्ड्स रखी हैं यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मतलब लेडीज़ हैं किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेने जाती हैं और एक बार शॉप पर चली जाएँ और अपने लिए कुछ ना लेकर आएँ। तो मैं अभी अपने लिए एक सूट उठा कर ले आई हूँ, तो अपने लिए ये वाला सूट मैं लेके आई हूँ जो फुल सूट है विद शॉल,
और वो भैया बता रहे थे कि ये कराची सूट आजकल चल रहा है। अभी मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया था कि कराची सूट चल रहा है, तो ये उसमें का है। हो सकता है शायद मैं उसको अभी पहनूँ या फिर बाद में, क्योंकि एक और सूट है जो अभी मेरी देवरानी ने मुझे दिया था, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू सूट है। तो इसके साथ का भी प्लाजो है, ये भी बहुत अच्छा है, पीच कलर का है। तो अभी मेरे को देखना है मुझे क्या पहनना है। फिलहाल तो ये जो गिफ्ट है तो ये मेरे को कुछ डब्बा मिला नहीं, वहाँ पे भैया ने कुछ दिया नहीं। तो इस तरह का जो कपड़ों के डब्बे होते हैं, ये बच्चों के कपड़ों के डब्बे हैं, तो इसमें पैक करूँगी इस वाले सूट को, और इस वाले पॉलिथीन से रैप करना है, और फटाफट से मुझे रेडी भी होना है। और ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, भयंकर ठंड पड़ रही है। आज थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी और बस फिर उसके बाद गायब हो गए सूरज देव, और आगे कह रहे हैं कि अभी एक दो दिन में फिर बारिश होने वाली है, तो मौसम बहुत ठंडा होने वाला है। चाय बन गई मान्या? तो मान्या ने चाय बना लिया है, फटाफट से चाय पी के हम तैयार होते हैं। तो लड़की बहुत काम करती है। चाय पी लीजिए फ्रेंड्स, साथ में क्या नमकीन। चलो तैयार होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जो गिफ्ट है पैक कर लिया है, और ये DIY बनाया है। तो हो सकता है ये वीडियो आपको बाद में मिले या पहले, कुछ कह नहीं सकती। तो ये एक बॉक्स था ईयरफोन का, इसको हमने डेकोरेट करा है, और इसके अंदर मान्या रख के दे रही है ईयर रिंग्स, और ज़्यादातर ये मान्या ने ही बनाया है। बहुत ही प्यारा DIY बनाया ये, तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको बाद में मिले या पहले, अभी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने शूट करके रख रखी हैं और पता नहीं कौन सी वीडियो कब तक आपके पास पहुंचेगी। बहुत प्यारे ईयर रिंग्स हैं ये, तो ये मान्या अपनी भाभी को दे रही है। क्यों छिपाना है? हाय कर दो बस, ये है बर्थडे गर्ल हमारी। वहीं पे दिखाना चाहते नहीं, वहां जाते हैं मुझे दिखाना है। अच्छा। बर्थडे गर्ल हमारे साथ ही है। सो फ्रेंड्स, आज बहुरानी का बर्थडे है, तो बेटे बहू को उनके घर से पिक किया। दूसरी गाड़ी में सारे लोग आ गए थे और बहुरानी के घर वाले भी आए थे। और ये है रेस्टोरेंट सन ऑफ स्वाद, जो अभी रिसेंटली न्यू ही खुला है, और बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन है यहाँ पर। ये है हमारी प्यारी सी बहुरानी, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इस व्लॉग का शेयर करने का पर्पज़ यही है कि आप इस तरह के फंक्शन, इस तरह की बर्थडे पार्टीज़ या फिर मैरिजेस जो होती हैं उनको अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप डाइट पर हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे जेठ के बेटे मोहित की शादी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही फन फिल्ड व्लॉग हैं। मेरी नंदे भी आ जाती हैं, और जब हम सब लोग मिल जाते हैं ना, खूब मस्ती होती है, खूब एंजॉय होता है। तो वो वाले व्लॉग भी आप एंजॉय कीजिएगा अगर आपको लोगों को मेरे लाइफस्टाइल के व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसा मौका मिलता है कोई पार्टी अटेंड करने का और सामने इतना टेस्टी टेस्टी फूड हो तो कौन उसको छोड़ता है। तो मैं भी सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ एंजॉय करती हूँ, सारे फंक्शन एंजॉय करती हूँ, सारा खाना भी एंजॉय करती हूँ, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करूँ। फ्रेंड्स, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखा हुआ है। आपको पता है कि आप डाइट कर रहे हैं, और ये ना हो कि आप किसी दिन रेस्टोरेंट में जाएं या मैरिज में जाएं और इतना ज़्यादा खा लें कि आपकी पूरे एक महीने की मेहनत वेस्ट हो जाए। फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि डाइट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप हंसते गाते खेलते खाते बिल्कुल आराम से डाइट कर सकते हैं और अपना वेट मेंटेन करके रख सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम डाइट करते हैं ना, तो अगर हमारे सामने कुछ भी टेस्टी खाना आ जाए तो अपने आप ही हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, और हमारा जो पोर्शन साइज़ होता है वो कम हो जाता है, और हमसे बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं होती है, चाहे कितना ही टेस्टी खाना हमारे सामने पड़ा हो। तो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करी थी यहाँ पर, किटकैट शेक भी लिया था, स्नैक्स में हनी चिली पोटैटो थे, चाउमीन थी, और खाने में और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें थी। सब कुछ एंजॉय किया है, केक भी खाया है, लेकिन इस तरह की चीज़ें खाकर वेइंग स्केल थोड़ा सा तो ऊपर जाता है, लेकिन आपका वर्कआउट और डाइट उसको एक्चुअल वेट पर वापस ले आता है। तो मैं भी इस तरह से मैनेज कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और तो आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, एंड बाय बाय।